पाकिस्तान के कराची शहर से एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह, कराची के लोग भी गजब हैं। दरअसल कराची में एक मॉल का उद्घाटन होना था और मॉल के उद्घाटन के दिन ही कराची की आवाम ने इसमें लूटपाट मचा दी। पूरे मॉल को लोगों ने लूट लिया। घटना ये पूरा बता दें आपको कि गुलिस्तान जौहर का है, जहां अब इसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल शुक्रवार को ड्रीम बाजार मॉल का भव्य उद्घाटन समारोह होना था। ग्राहकों को लुभाने के लिए मालिक ने ऑफर दिया था। सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी शेयर की गई थी। सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही उद्घाटन शुरू हुआ वहां पर अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के निजी समाचार चैनल ARY न्यूज की रिपोर्ट की माने तो जब उद्घाटन हुआ तो यहाँ लोगों की भीड़ टूट पड़ी। देखते ही देखते अफरा तफरी जैसी स्थिति हो गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कि लाठी डंडे लेकर मॉल में घुस आए और लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान मॉल के सामने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, इस वजह से भयंकर जाम लग गया। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे बेकाबू भीड़ नजर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार मॉल के उद्घाटन के लिए कस्टमर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऑफर्स दिए गए थे। मॉल ने अपने प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और ऐड भी जारी किए थे। जब उद्घाटन हुआ तो वहां पर काफ़ी लोग मौजूद हो गए। इसके बाद मॉल में जमकर लूटपाट मची। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का अब कहना है कि पाकिस्तान निवेश के नजरिए से सुरक्षित जगह नहीं है। इस कारण यहां विदेशी निवेशक निवेश करने से कतराते हैं। अगर कोई निवेश कर भी देता है तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस दौरान वहां पर जब घटना हुई तो पुलिस भी मौजूद नहीं थी। ड्रीम बाजार को सपोर्ट करें, ये आपके लिए बनाया गया है, ये प्राइसेस आपके लिए हैं, अच्छे वक्त में आए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये 50 से लेके 1000 तक ये कपड़े भाई पूरे साल आपको दस्तियाब होंगे। परेशान ना हो, जब भी आना चाहें तब आ सकते हैं। ये हाल है भाई इस वक्त, और बाहर के मनाजिर मैं आपको नहीं दिखा सकता। वो पता नहीं कौन सी कौम है जो नारेबाजियां हर किस्म की कर रही है।
कहाँ से आए हैं, किन्होंने खरीदे हैं, किन्होंने बेचे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस वायरल वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग वहां पर सामान लूट रहे हैं। लूटपाट के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि मॉल को इससे काफी नुकसान हुआ है। वीडियो में लोगों ने खुद सामान लूटने का वीडियो भी बनाया, वे कपड़े चुरा रहे थे। यह सब आधे घंटे में ही हो गया। 3 बजे दुकान खुली और आधे घंटे के भीतर सब कुछ मॉल से साफ हो गया। इस मॉल को विदेश में रहने वाले, आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल के एक शख्स ने खोला था। वहीं इस घटना को लेकर के मालिक और कर्मचारी बेहद हैरान हैं। हाल ये है भाई, मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम की नहीं है, अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें, लेकिन क्या हाल की है यार। मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबक्कुन कर दिया है। कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े। पूरा का पूरा स्टोर जो है आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखे कैसे नीचे पड़े हुए, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ रहे हैं, मतलब ज्यादती की हद हो गई है। अनस भाई, मतलब आप क्या होप कर रहे थे और आपके साथ हुआ क्या है? नवाज भाई, हम कराची वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्टर भी था कि बेनिफिट लेके आए, सहूलत लेके आए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं की थी कि कोई रिटेल रेट है, होलसेल रेट है, सेल पे है। ये वो प्राइसेस थी जो पूरा साल थी। ये आप देखिए स्टोर का लोगों ने क्या हाल किया, बदतर तरीन हाल कर दिया। ये भी यहाँ खड़े हैं भाई, आप बताएं कि आपने जब ओपन किया कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर, हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमने 20 दिन मेहनत करी है यहाँ पे। हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम दिया। हमने यहाँ पे अपनी एक फैमिली जनरेट करी, हमने अपनी टीम बनाई, लेकिन लोगों ने हमें ये खिला दिया। यार ये देख सकते हैं, ये कौन सी कौम आई है कराची में, कौन लोग बसते हैं जो ये हाल बनाते हैं। सिर्फ ये हाल नहीं है भाई, पूरे स्टोर का एज इट इज सेम हाल है। मतलब कौन लोग हैं भाई, ये कहाँ से आते हैं? कोई मैसेज है अनस भाई, कुछ पैगाम देना चाहेंगे कराची के लोगों? नवाज भाई, वैसे ही पाकिस्तान में लोग जो बहुत मिनिमम साइड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, कुछ चीजें लेके आ रहे हैं। अगर लोग इसको नहीं समझेंगे, जब तक खुद ठीक नहीं होंगे, तो आपके लिए चीजें कैसे ठीक होंगी? गला बैठ गया है ना भाई, मुझे तो आप पर बहुत ज्यादा। चीजें कैसे ठीक होंगी जब तक लोग नहीं समझेंगे,